जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर चरण वंदन। सबसे पहले संगत को, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तो संगत में ही बसता हूँ, संगत को भी मेरा बारंबार प्रणाम। और कोई मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। तो हम मंत्र जाप से आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। समझने के लिए कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत को, वीना शर्मा आंटी आपको जय गुरुजी, नमिता आंटी जय गुरुजी, परिधि भाटिया जय गुरुजी, डिंपल आंटी जय गुरुजी, आरती आंटी, नमिता मित्तल आंटी जय गुरुजी, बाय मिस्टेक जय। तो प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मेरी सारी संगत को, प्यारी संगत को मेरी तरफ से चरण वंदन और जय गुरु जी, और आपको गुरु जी के बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सो गुरु जी की जर्नी विद मी। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी, अब मैं बोलूंगी मेरी जर्नी, मैं कौन। ये प्रश्न उठता है हम सब में कि मैं कौन हूँ। मैं सीमा सूद, एक शरीर, सीमा सूद एक सोल। सो आज आपके सामने सीमा सूद एक शरीर है, बट इस शरीर के अंदर एक डिवाइन सोल है, जो आज नई आइडेंटिटी गुरु जी ने मुझे दी है, डिवाइन सोल ऑफ गुरु। सॉरी बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। दीक्षा आंटी जय गुरुजी, गौरी सोनी आंटी जय गुरुजी, नूतन आंटी जय गुरुजी, नीलू आंटी जय गुरुजी, मनोज शर्मा अंकल जय गुरुजी। सो टुडे माय आइडेंटिटी एज डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, एंड यू आर ऑल, आप सब भी हैं डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी। हम बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि हमें कुछ तो खास होगा ना कि गुरुजी ने हमको चुना, कुछ तो खास होगा। हम बहुत नालायक हैं, बहुत पापी हैं, बहुत दुष्ट हैं, दुरात्मा है, बहुत पाप किए हमने, पर हमें कुछ तो ऐसा होगा ना कि गुरुजी ने हमको चुना। गौरी सोनी आंटी जय गुरुजी, दिनेश अंकल जय गुरुजी। तो हमें क्या कॉमन है जो आज गुरुजी ने मुझे रियलाइज किया कि हम सब डिवाइन सोल है गुरुजी। That's why we are all together. शरीर अलग अलग है, पहले मैं किसी और शरीर में रहूंगी, यह आत्मा किसी और शरीर में, आगे किसी और शरीर में मुझे कोई और जन्म मिलेगा, कोई और शरीर होगी, लेकिन आत्मा यही रहेगी, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी। और सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं कंटिन्यू करूंगी कि हम, आप, मैं, हम सब, हम सारी संगत जो है, हम डिवाइन सोल।
सोल है गुरु जी की, इसीलिए गुरु जी ने हमको अपने साथ जोड़ा है। मीना शर्मा आंटी जय गुरु जी। इसीलिए आज हम सब एक साथ हैं, हम अलग अलग शहरों से हैं लेकिन आज जुड़े हुए एक साथ एक परिवार की तरह से। अनीता आंटी जय गुरु जी, दीपिका आंटी जय गुरु जी, और सारी संगत एक साथ जुड़ी है। वो इसी का उसका रीजन यही है कि हम सब गुरु जी से जुड़े हुए थे, आज से नहीं पता नहीं कब से, क्योंकि हमारे हमारे जहन में तो हमारा यही जन्म है। और इस जन्म की जो मेरी छोटी सी यात्रा है, मैं उसको पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी गुरु जी की आज्ञा लेते हुए, क्योंकि मैं तो बहुत ही अलग आंटी जय गुरु जी। मेरी तो जो है ना अभी जस्ट न्यू एडमिशन, आई विल से दैट आई एम अ वेरी न्यू एडमिशन, क्योंकि आई थिंक लास्ट जुलाई और अगस्त, आई थिंक जुलाई ही रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं उस इंटेंशन से जुड़ी ही नहीं थी कि मुझे जुड़ना है। थैंक यू सुनील अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस माई ऑनर दैट टूडे आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद गुरु जी। सो संग जी, ये देखना कि मैं कैसे जुड़ी, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, बहुत प्यारी जर्नी जो मैं सुनती हूँ, सुनती आई हूँ सब संगत की, एक से एक बढ़ के जर्नी सुनती हूँ ना, तो बस वाह वाह गुरु जी, यू कैन डू दिस ओनली, आप ही कर सकते हो, ऐसा ऐसा मुंह से निकलता है, और खुशी के मारे में तो मैं वो जो फीलिंग होती है ना वो बस बयान करने के लायक नहीं होती, वो हर एक की अपनी फीलिंग होती है, वो जो अपने जो महसूस करता है वो हर एक का इंडिविजुअल फीलिंग है, मेरी अलग है आपकी अलग है, तो सबकी यात्राएं अलग है, लेकिन हमारा जो मिलने का पॉइंट है वो फिर एक ही है कि हम गुरु जी के चरणों में आके सब मिल जाते हैं। अलग अलग रास्तों से आते हैं, अलग अलग जर्नी से होते हुए आते हैं, कोई जल्दी कोई लेट, लेकिन हम आते यहीं पे हैं गुरु जी के चरणों में। तो लास्ट जुलाई की बात रही होगी, मेरे घर में काफी परेशानी, जुलाई भी नहीं थी आई मस्ट से, शायद अप्रैल और मई, समर वेकेशन था उस समय, और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा सीरियस थे, ही वाज हैविंग सम हार्ट डिजीज, हमको पता लगा कि ही इज हैविंग हार्ट डिजीज, एक्चुअली उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था दैट वाज फॉर स्टमक प्रॉब्लम, लेकिन लेकिन उनको प्रॉब्लम बाद में डायग्नोस हुई दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज। और सो हम लोग परेशान थे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, शुरू से मैं स्पिरिचुअल रही हूँ, घर में स्पिरिचुअल एटमोसफेयर था, भगवान की पूजा करते थे, बट गुरुजी के बारे में मैं मतलब जानती थी, हाँ आई हैव सीन हिज स्वरूप समवेयर कि ऐसे गुरुजी है, बट आई हैड नो कनेक्शन विद गुरुजी। एज यूजुअल जो हमारे नॉर्मल घर में पूजा करते थे हम लोग, राम को मानना, कृष्ण को मानना, स्पेशली मैं मतलब कृष्ण से बहुत कनेक्टेड हूँ, और हनुमान जी से मैं बहुत कनेक्टेड है, तो उस दौरान भी मैं हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ, और हनुमान सो हम लोग पूजा करते हैं जैसे वैसे ही करती थी, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक, पर हाँ भगवान गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग बोथ, डर भी लगता है, डर के तो रहना ही चाहिए ईश्वर से, तो पूजा पाठ करना रेगुलर अपना। तो वो समय मेरा बहुत डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और कोई भी ट्रीटमेंट उनका काम ही नहीं कर रहा था, और मैं जब भी टाइम मिलता मैं क्योंकि ज्यादा और चीजें नहीं देखती, कृष्ण से बहुत मेरे को अटैच्ड हूँ, तो हमेशा ये जैसा एस्कॉन मंदिर वालों का ये सब चीजें मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत मनीषा आंटी जय गुरु जी, विनोद अंकल जय गुरु जी, ऋषि आंटी जय गुरु जी,
मैं हमेशा कृष्ण जी के बारे में देखती रहती थी। सडनली फेसबुक पे मेरे आते हैं, अलग अलग मैसेजेस आते हैं, तो गुरु जी का आया, इसमें गुरु जी का मैसेज भी था, दीपिका आंटी जय गुरु जी। थ्रू फेस तो आई वॉज फेमिलियर कि हाँ ये गुरु जी हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में भी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, वो उनको मान, मगर मैं इतना जानती गुरु जी के बारे में कुछ भी। तो मैं इनका कमेंट्स, मैं संगत के कमेंट्स पढ़े तो उनमें पढ़ा, मैंने सब लोगों ने लिखा हुआ है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई ऑल्सो मिस अनोइंगली आई हैव रिटन जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर जी सॉरी, बहुत नेटवर्क इशू है शायद इधर, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और इससे पहले मैंने कभी शंकर भगवान की, ऐसा चाप को बोलूं, मैंने कभी पूजा नहीं की, ना मैंने कभी कोई व्रत किया है सोमवार का, ना मैं कभी शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई हूँ, कभी नहीं किया मैंने। लेकिन इस बीच जब मैं फेसबुक देखती रहती थी या यूट्यूब, मैंने एक भजन सुना, एक कोई सिंगर थे वो शंकर भगवान के भजन गाते हैं कि मुझे शिव से नहीं शिव ये मैंने भजन सुना। ये भजन पता नहीं मेरी आत्मा को जाके छुआ, और सडनली मुझे शिव को बारे में जानना है, मैं शिव को जानना चाहती हूँ। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट शिव। और मैं जनरली महाकाल मंदिर को फॉलो करने लगी, महाकाल मंदिर के बारे में डेली उनका मतलब मैं देखती थी, महाकाल भस्म आरती, महाकाल या अमरनाथ, ये सब चीजें मैं देखने लगी धीरे धीरे। और मुझे मतलब एक कनेक्टिविटी होने लगी शिव के साथ ऑटोमेटिकली, मेरा कोई वो रोल नहीं था उसमें, दैट वाज ऑल गाइडेड बाय गुरु जी ओनली, नाउ आई कैन से बाय गुरु जी ओनली, आई वॉज नॉट नोइंग कि मतलब, लेकिन मुझे कोई अट्रैक्शन हो रहा था शिव जी के प्रति, शिव जी मुझे जाना है, मुझे मुझे महाकाल जाना है, मुझे दर्शन करने, इससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ कर कि मुझे महाकाल दर्शन करने के लिए जाना है, भाव नहीं आया, जबकि मैं गई हुई हूँ उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए, मगर ऐसे नहीं आया, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को दर्शन करने हैं। और सुबह उठते बस मेरा काम जैसे थे हो कि हाँ पहले मैं महाकाल के दर्शन कर लूँ, बस ये एक भाव होता था मन में धीरे धीरे। और बस रोहिणी आंटी जय गुरु जी सरोज आंटी। मैं धीरे धीरे गुरु जी को सिर्फ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऐसे लिख देती थी। और उसके बाद देखती कुछ धीरे धीरे सत्संग भी अटेंड आते थे, आप सत्संगत लोगों के सत्संग आते थे, मैं सुनने लगी थी, अच्छा लगता था वो लोग जो शेयर करते थे। फिर मैंने कुछ आई ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग सत्संग। तो सत्संग से धीरे धीरे मुझे जब देखा, मैंने कहा वाह इनका सत्संग तो बहुत अच्छा होता है, सब लोग बहुत अच्छे, कितने अच्छे से तैयार होके आते हैं, सब लोग बैठे हैं शांति से बैठे हैं, कोई वो सब शोर शराबा नहीं है, सब आ रहे हैं, अच्छा गुरु जी के बारे में बताते हैं, इनके यहाँ ये सत्संग होता है और इसमें कुछ शब्द चलते हैं, और वो मतलब जनरली दिल्ली दिल्ली की संगत का सत्संग बहुत आता था, तो उसपे हाँ जय ऐश कर वाला सॉन्ग आता था और सब लोग डांस करते हैं, ये मैं देखती थी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, बहुत इंजॉय करते हैं लोग तो सत्संग को, तो एक मिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन मेरा भी उसकी तरफ होने लगा, सत्संग की तरफ। और फिर मैं एक सत्संग बैक टू बैक, मुझे नहीं मालूम कि मुझे गुरु जी ने कितने सत्संग दिखाए। फिर सत्संग के साथ साथ एक थॉट प्रोसेस भी चालू होने लगे, बने मन में कुछ क्वेश्चंस भी उठने लगे। मैंने कहा अच्छा ये तो मालूम था कि गुरु जी पंजाबी हैं, ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा ये तो पंजाबी हैं तो इनके यहाँ सब कुछ शब्द चलता है, अब आई हैव नो कंसर्न विद
गुरुद्वारा, गुरु नानक जी एंड ऑल दैट। मैंने कहा अच्छा, अब इनकी पूजा करो अगर, तो जो करते हैं वो तो कृष्ण को और राम को इनको नहीं मानते होंगे। मेरे मन में विचार आ रहा है ये कि जो गुरु जी को मानते हैं वो तो कृष्ण जी की पूजा करते नहीं होंगे, वो तो सिर्फ शब्द वाणी सुनेंगे, गुरु नानक जी को मानेंगे। तो जैसे ही मैंने ये विचार मेरे मन में आया, डाउट आया, तो नेक्स्ट जो मुझे सत्संग आता है, दैट वॉज अबाउट सत्संग के अंदर ही जो संगत है, शी इज कृष्ण डिवोटी। कृष्ण जी, वो खुद कृष्ण डिवोटी हैं, लेकिन वो गुरु जी की संगत है। गुरु जी के भी उतनी ही डिवोटी हैं जितनी वो कृष्ण की डिवोटी हैं। मैंने कहा वाह, दैट्स ग्रेट, ऐसा नहीं है, मैं आई एम रॉन्ग कि भाई गुरु जी को सिर्फ पंजाबी लोग मान सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते, जो क्योंकि हम तो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, तो ये लोग तो गुरु नानक जी को मानते हैं, तो शब्द वाणी सुननी पड़ती है, तो हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ये पूजा, तो अब क्या करें। तो ये डाउट क्लियर किया एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा हाँ, अरे वाह, ये तो अच्छी अच्छी बात है, हम भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर बैक टू बैक इस तरह के सत्संग मुझे गुरु जी मुझे सुनाने लगे। फिर मैंने एक सत्संग देखा, अपने ही संगत है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर संधि, डॉक्टर सच ए नाइस। तो उनका मैंने सत्संग सुना, तो शी वॉज सिंगिंग डिफरेंट, मतलब अलग अलग भजन गा रही हैं वो उसके अंदर, वो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड सिंगर है ना, बहुत अच्छा गाती हैं वो, और दिव्या आंटी जय गुरु जी। तो उन्होंने बहुत सारे भजन सुनाए उस दिन, मतलब उन्होंने कोई गुरु उसमें शब्द नहीं चलाया, वो अपना कन्वर्सेशन जैसे अपनी जर्नी और बातें करी हैं गुरु जी के साथ, उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग ऑल दैट। और उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने भजन गाए, उसके बाद उन्होंने तो डिफरेंट मीन्स फिल्मी सॉन्ग भी गा लिए। मैंने कहा वाह, ये तो और भी बढ़िया बात है, यहाँ तो भाई फिल्मी गाने भी चल जाते हैं, सो नाइस। तो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें है ना, मेरे लिए तो ऐसा हूं। सो इन दिस वे आई स्टार्टेड कनेक्टेड, धीरे 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 गुरु जी मुझे कनेक्ट करने लगे, और मैं जो जो मेरे मन में प्रश्न आते थे ना संगा जी, वो हर प्रश्न का उत्तर मुझे सत्संग के माध्यम से ही मिलता जाता था। अब मैंने मैंने सुना कि है ना, हमारे सत्संग होता है, फिर हमने वेलकम वेलकम धुन बजे, वेलकम बैंड बजता है। मैंने कहा यार, ये वेलकम बैंड क्या होता है गुरु जी, है ये भी बताओ भाई मुझे। फिर मैंने एक दो पोस्ट सुनी, तो उसमें एक मतलब मुझे बीट से सुनाई दी, मैंने कहा आज ना आई कॉट इट, क्योंकि उसमें जो बीट्स चलती है ना पीछे, वो आर्मी बीट्स होती है, मुझे नहीं मालूम था कि जो चल रही है वो एक्चुअली वेलकम बैंड ही है, मुझे नहीं मालूम था, आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन उसमें जो बैंड बज रहा था ना, तो वो उसके जो बीट्स थे वो इट वॉज लाइक आर्मी बैंड। एंड अभी तक सत्संग में मैंने सुना था कि दैट ही स्टार्टेड विद आर्मी पीपल है ना, फौजी लोगों से गुरुजी ने अपना सत्संग चालू किया था। तो मैंने कहा वाह, ये धुन भी उन्होंने बनाई थी, हो ना हो यही वाली, यही जो धुन बज रही है यही वेलकम बैंड है। एक और आंसर मिल गया मुझे, वेरी नाइस। तो इस तरह से मैं जो भी प्रश्न करती थी गुरु जी के बारे में, गुरु जी के बारे में, सत्संग के बारे में कोई भी डाउट होता था, मुझे विद इन 1 और 2 चैट्स मतलब उसके पोस्ट में मुझे आंसर मिल जाता था। बहुत बहुत मतलब मैं, और घर में किसी को नहीं पता, बस मैं, मेरी जर्नी चल रही है गुरु जी के साथ, और मतलब ऐसा ऐसा सच ऐसा सच नहीं कि मैं उनकी डिवोटी हो गई थी, लेकिन मुझे एक अट्रैक्शन सा होने लगा था और एंजॉय करने लगी थी मैं उस सत्संग को। तो गुरु जी ने यही कहा, मतलब ऐसे नहीं कि किसी के कहने से भी नहीं आई मैं, कि कोई किसी ने बोला हो कि हाँ आप चले जाओ वहां, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, इस तरह इस ये सोच करके मैं मतलब नहीं जुड़ी। एक एक प्रेम, एक कनेक्शन जो है ना, एक आकर्षण अपने आप गुरु जी अपनी तरफ लेते चले गए। वो क्यों लेके गए, क्योंकि आज हमें पता लग रहा है ना क्यों लिया, क्योंकि हम तो थे ही उनके, बिछड़ गए थे हम, लेकिन थे तो उन्हीं के, इसलिए उनको बुलाना ही था अपने पास है ना। तो उसके बाद मैं ऐसे सत्संग सुनती रही, और इस बीच
हस्बैंड थोड़े थोड़े ठीक हुए, तब जाके हमको पता चला, मतलब ही वाज जस्ट ही केम, मतलब बोलेंगे ना कि उनका दूसरा जीवन हुआ, यही बोलूंगी मैं, द सेकंड इनिंग ऑफ हिज लाइफ। गुरुजी ने बचा लिया, लेकिन हार्ट उनका सिर्फ हार्डली 20% भी उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने ये मेडिकली उनको बोल दिया था, देन यू हैव टू कैरी योर लाइफ, आपके जो भी कंटिन्यू करना है लाइफ को इतने में ही करना है, और जो जो हमने आपको प्रिकॉशंस दिए हैं दैट यू हैव टू फॉलो दैट। इससे मतलब मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ कि ये कर दो वो कर दो, इससे पहले नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं, कनेक्टेड थे ही नहीं कोई भी, ना मेरी बेटी, ना मेरे सन, ना हस्बैंड। मैं बस मैं देखती रहती थी, वीडियोस देखती रहती थी और चैट करती, बस उसमें ये लिख दिया जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, दैट्स ऑल। बाकी मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था, भजन चलते थे, और मतलब शब्द नहीं सुनती थी मैं अभी तक, शब्द बस सत्संग सुनती थी, आप लोगों के मतलब अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनती थी, और आप लोग जो बताते थे उनके साथ जो जो कुछ हुआ, व्हाट मिरेकल गुरुजी हैज डन, हाउ दे ही हैज चेंज हिज लाइफ, उनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उनका थिंकिंग, उनका लाइफस्टाइल सब कुछ कैसे बदल दिया, दृष्टिकोण बदल देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं। तो वो सब वो जो चीज़ें मैं अनुभव करती थी ना, वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था। मैं घंटों सत्संग सुनती थी, बैक टू बैक, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने एक दिन के अंदर शायद 20-20 सत्संग सुने होंगे, मैंने मैंने काउंट भी नहीं किए कि मैंने कितने सत्संग सुने। और मैं रोती थी कभी कभी, मैंने कहा वाह, जब जब मैं मतलब इनके सुनती थी ना, इनके वृतांत सुनती थी, उनके अनुभव सुनती थी, तो मैंने कहा वाह आप तो यही थे। धीरे धीरे मैंने कहा हमको तो नहीं बुलाया गुरु जी, और मैं तो खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा मायका दिल्ली में, मैंने कहा हमको नहीं बुलाया गुरु जी आपने कभी अपने पास। और फिर खुद ही हाँ भाई हमारे कर्म रहे होंगे, तब तक कर्मों का क्या लिखा जेखा है, सुनते थे, पढ़ा था, सब कुछ पढ़े, ग्रंथ काफी अध्ययन किया है, लेकिन उन ग्रंथों का सार कैसे धीरे 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 गुरु जी मुझे समझाते जा रहे हैं, और आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, दैट इज द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ गुरु जी, एंड दैट एवरी वन हैज हिज ओन हर ओन जर्नी, हिज ओन रियलाइजेशन विद गुरु जी। तो वही सब गुरु जी मुझे अपने साथ अटैच करते जा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी शब्द सुनना, नहीं जो कुछ कोई भजन चल रहा होता है इन जनरल सत्संग के अंदर वो, दैट्स ऑल। बाकी मुझे सत्संग सुनना बहुत 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 अच्छा लगता था, आज भी मैं बहुत सुनती हूँ सत्संग, बहुत अच्छा लगता था मुझे संगत के बारे में, मैंने सबका सुना। फिर मैंने गीतू आंटी का सत्संग भी सुना, फिर ऐसे करके बहुत लोगों का मैंने सत्संग सुना, फिर मैंने तारीफ सुनी, मैंने कहा सुना कि ओल्ड संगत थी, रघुवीर अंकल, मैंने कहा रघुवीर अंकल कौन है भाई, मैं भी मिलूं इनसे, कौन है। तो उसी के थ्रू उस दौरान फिर ये होते होते हस्बैंड की तबीयत खराब ऐसे चल रही थी, चलते चलते मीन्स ऑलमोस्ट न्यू ईयर आने वाला था, ठीक है न्यू ईयर तो आ चुका था दिसंबर। शशि आंटी जय गुरु जी हेलो, एंड ये जर्नी चलती जा रही है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं है ना आई एम कनेक्टेड विद गुरु जी या, लेकिन मेरे एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरा मोबाइल देख रहे थे, वो कह रहे थे क्या देखती रहती है फालतू की चीजें। तो मैंने कहा आप कुछ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको, मैंने कहा ठीक है बोल के, मैं अपने काम में बिजी, हस्बैंड देख रहे हैं। एक दो दिन फिर वो देखते रहे, उन्होंने कहा अब परेशान तो थे, उन्होंने भी लिख दिया करके, चलो सबने लिखा हुआ जय गुरु जी, एंड ही ऑल्सो हैज रिटन जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही बिना मन के, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब भक्ति जाग गई है उनके प्रति, श्रद्धा जाग गई, ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ लिखा हुआ है, उन्होंने भी बेमन से लिख दिया, ऐसे दो चार बार उन्होंने लिखना चालू किया जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ऐसे लिखवाया गुरु जी ने लिखवाया, उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि गुरु जी को कैसे लीला करनी थी दैट यू विल कम टू नो। तो मैंने बताया कि हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, और उनको
सब कुछ डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया था, संगत जी इट्स अ मिरेकल इन मेडिकल साइंस इवन यू विल एक्सपीरियंस इट, क्योंकि डॉक्टर ने उनको डिक्लेयर किया था कि सोनिया आंटी जय गुरु जी एंड सोनिया एंड सोनिया कोहली आंटी इज शी इज ऑल्सो फ्रॉम भोपाल, भोपाल संगति हैं, गुरु जी की प्यारी 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 बेटी हैं, ये बहुत प्यारी बेटी हैं, और अंकिता सिंह आंटी जय गुरु जी। तो उसके बाद संगत जी, तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका 20% हार्ट है ओनली एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑन दैट ओनली, उसी को आप संभाल के रखिए, इसी से आपको आगे की जिंदगी जीनी है और ये सब फॉलो करना है आपको, मतलब नमक भी नहीं खाना है, आपको ऑयल नहीं खाना है, आपको घी नहीं खाना है, आप चाय नहीं पी सकते, आप जो है पानी पूरे 24 आवर्स में 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, एंड सो ऑन लिस्ट, मतलब जी रहे हैं सिर्फ जीने के लिए जीना है, जब तक सांसें हैं मतलब आप जियो, बस ये था, ये बोल दिया। अब वो और बहुत वीक हो चुके थे, मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ स्केलेटन, नॉट ओवर एबल टू गेट अप, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, टॉयलेट तक मतलब रूम से टॉयलेट तक जाने में उनको 4 बार चक्कर आ जाते थे और वो रास्ते में बैठ जाते थे, उनकी ये कंडीशन थी संगत जी। उसके बाद एक दिन मैं देखती हूँ कि ये बैठे हुए मेरा मोबाइल देखते थे और मोबाइल में देखते देखते जो तो ज्यादा देख नहीं पाते थे हम लोग, देखते क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वीक थे तो हम इनको ज्यादा देखने भी नहीं देते थे, तो देख रहे थोड़ी थोड़ी देखे, मैंने आके देखा तो ये रो रहे हैं मेरा मोबाइल पकड़ के, एंड ही वॉज क्राइंग। मैंने कहा क्या हो गया, बोले सीमा सीमा इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ, सीमा इनमें कुछ तो बात है, इन्होंने मतलब उन्होंने कोई स्वरूप देखा और इनको ऐसा लगा कि इन्होंने स्वरूप से इशारा करके इनको बुलाया आ जा, मतलब उसमें से स्वरूप इनको कह रहे कि आ जा, इनको अपनी तरफ खींच रहे। तो कह रहे मैं मतलब मैं जो कि मैं शक्ल देखना मुझे मतलब वो कहते थे कभी कि इनकी मुझे शक्ल टॉलरेट नहीं होती है, ये कैसे गुरुजी है ये, ऐसे बोलते थे मेरे हस्बैंड, सॉरी गुरुजी। वो कह रहे मैं इनकी मतलब चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा हूं, वो ऐसे उन्होंने गुरुजी ने इनको अपनी तरफ खींचा और ये देखते रहे, और ही वॉज क्राइंग, मतलब बच्चे की तरह रो रहे थे ये उस स्वरूप को देखे कि नहीं ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये ईश्वर है, ये कोई साधारण गुरु नहीं है, उन्होंने बोला। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, अंदर से बोले जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मतलब एज यूजुअल जैसे बोलते हैं ना वैसे बोला, चलता रहा। अब ये इन्होंने भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहना चालू कर दिया अनमनी मन, लेकिन गुरु जी ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरु जी, गुरु जी मुझे ठीक कर दो, मैं ऐसा कैसे जीऊंगा गुरु जी, क्योंकि उसमें लिखा आता था, मैं भी बस ये पढ़ते ना जा ऐश कर, गुरु जी कहते हैं तेनो ब्लेस किता जा ऐश कर, मैंने कहा भाई काय का ऐश कर, घर में सब बीमार पड़े हैं, हस्बैंड को तो कुछ खाना ही नहीं है, खाना पीना बंद, रोटी नहीं खा सकता बंदा, दाल का पानी पी के जिंदा है, क्या ऐश करूं, यही सोचते थे मन में विचार आते थे ऐसे कि क्या ऐश करना है भाई, बिना आंटी चाय गुरु की, पूर्णिमा आंटी चाय, थैंक यू सो मच। सो वाकई में ये सत्संग इतना सुंदर है कि इतनी मतलब इतना हमने सुना था और वो सब चीज एक्चुअल में गुरुजी ने हमारे साथ एक्सपीरियंस कराया ना, सो सच अ नाइस ब्यूटीफुल सत्संग दैट गुरु। सो माय हस्बैंड आल्सो स्टार्टेड प्रेइंग, मैं इतना कोई प्रे नहीं कर रही हूँ कि ऐसा हो जाओ मेरी जनरल जो पूजा हो रही है सत्संग, लेकिन मैं सत्संग सुनती जा रही हूँ, एक के बाद एक सत्संग सुनती जा रही हूँ, बैक टू बैक सत्संग सुन रही हूँ गुरु जी के, इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आता रहा जैसे ही मुझे काम से फुर्सत मिली, और कई बार तो ऐसा होता तो काम पड़ा हुआ और मैं सत्संग सुनी जा रही हूँ, हाँ कर लूंगी कर लूंगी, ऐसा भी होता है, अभी भी होता है मेरे साथ ये तो, और हस्बैंड ने भी धीरे धीरे देखना चालू कर दिया।
उसके बाद एक ऐसी चले, शायद हार्डली 3-4 डेज हुए होंगे मेरे हस्बैंड को गुरु जी के साथ, मतलब जय गुरु जी शुक्राने जी इतना बोर होते हुए, और थोड़े थोड़े वो वीडियोस देखने लगे, जैसे मैं देखती थी वो भी वीडियोस देखने लगे, तो कहने लगे वाह इन्होंने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं सीमा, ये तो जिंदगी बदल दी, ये है वो है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शक्ति तो है तभी तो है, तभी तो पूछते हैं भाई, कोई ना कोई शक्ति है तभी पूछते हैं। ये भाई क्या शक्ति है, वो अभी तक हमने अनुभव नहीं किया था। ठीक है, मैं बस ये तो था कि हाँ ये चीज मतलब एहसास होने लगी थी मुझे गुरु जी के साथ कि मैं जो सोचती हूँ ना, एंड माई थॉट्स आर वो कैच कर रहे हैं, उस थॉट्स को गुरु जी कैच करते हैं, मेरी कैसे जाती है कैसे बात सुनते हैं, तो होता है। क्योंकि मैं इससे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ सब रिप्लाई आता है, आप जो भी मन में बात करोगे ना आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। कहते तो पागल है ये, तो इसका फेसबुक का एल्गोरिदम होता है ना, जैसे अपन जैसे वो करते हैं वैसे ही अपने को मिलने लग जाते हैं, उसी तरह के जो है पोस्ट आते हैं, ये तो एल्गोरिदम, बच्चे भी बोल रहे थे एल्गोरिदम होता है मम्मा फेसबुक का, आप तो यूं ही। मैंने कहा होता होगा पर मुझे तो मिल रहा है ना एल्गोरिदम, मैं एल्गोरिदम तो तब होगा ना जब मैं उसमें लिखूंगी या बात करूंगी, मन मन से थोड़ा ना एल्गोरिदम स्टार्ट होता है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में आ रहा है कि मतलब बैंड क्या होता है, तो ये बैंड बता रहे हैं कि ये बैंड होता है मेरे मन में आ रहा है कि रघुवीर अंकल कौन है मुझे उनसे देखना है, तो रघुवीर अंकल का सत्संग सुना देते हैं मुझे, मेरे मन में ये आता है कि अरे मुझे गुरु जी की वॉइस सुननी है, तो नेक्स्ट एक दो पोस्ट में वो आज पोस्ट आ जाती है कि जिसमें गुरु जी बोल रहे हैं लाइव, तो ये मन की बात कौन सुन रहा है, तो कुछ तो बात है, समथिंग इज देयर कि वो मन की बात तो सुनते हैं, कुछ हो रहा है ये चीज, तो यही अट्रैक्शन था। और मैं सत्संग मुझे इसलिए मजा आता था कि मैं कुछ मन में बात आती थी और मुझे रिप्लाई मिलेगा, फिर मेरे मन में बात आएगी फिर मुझे रिप्लाई मिलेगा वहां से, तो इस तरह से मेरा कंटिन्यूटी चालू हुई। और धीरे धीरे मैं अपने हस्बैंड को भी बोलने लगी देखना आप जो जो बोलोगे ना आपको जो भी डाउट्स है ना आपको आंसर मिलेगा देखना, वो कहते हैं ठीक है ओके। तो वो भी धीरे धीरे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलने लगे और सत्संग सुनने लगे, एक दोस्त सुन लेते थे सुशीला आंटी जय गुरु जी, प्रिया आंटी जय गुरु जी, मनीषा अंकल जय गुरु जी, ममता आंटी जय गुरु जी। सो थ्री हार्डली 3-4 डेज हुए होंगे, तो मेरे हस्बैंड सुबह उठे हैं और उन्होंने मुझे सपना सुनाया, कहते हैं बैठ जाए यहाँ पे सपना सुन मेरा, कि आज सपने में गुरु जी आए। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कहते हैं सीमा आज गुरु जी आए उन्होंने, और वो रो मतलब उठने के बाद में मेरे हस्बैंड रो रहे थे कि गुरु जी खुद आए थे मुझे मिलने के लिए। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मुझे जो सपना सुनाया वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि सपने में गुरु जी कहते हैं ना जब मैं सपने में आता हूँ तो मैं सपने में नहीं आता, मैं सच्ची में आता हूँ, और वो सच्ची में ही आए थे गुरु जी। अनिल अंकल जय गुरु जी, कुणाल अंकल जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड को सपना आता है कि एक सड़क है वो वहां जा रहे हैं और बीमार है, सपने में भी वो बीमार है, सोनू अंकल आंटी आई डोंट नो अंकल और आंटी मे बी जय गुरु जी। मैं जा रहा हूँ रोड पे और उधर से देखता हूँ गुरु जी की कार आ रही है और उनके साथ उनके कुछ सेवक है ना, सेवादार जो होते हैं उनके साथ, मतलब 3-4 आदमी है और काफी और भीड़ भी है, लेकिन उनके साथ घिरे घेर के रखा हुआ है उन्होंने, तो वो रुक जाती है, उनकी गाड़ी भी रुक जाती है और गुरु जी भी कार में से उतर के रोड पे ही खड़े हो जाते हैं, और वो लोग सेवादारों ने उनको घेरा हुआ है, और भी बहुत सी संगत है, और मैं आगे जाके उनसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं पहन के अरे गुरु जी मैं मुझे गुरु जी के पास जाने दो, प्रिया प्रिया आंटी जय गुरु जी। और उन्होंने बोला कि नहीं 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 आप नहीं आगे जाते, इनको जाने से रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे एक बार गुरु जी से मिलने दो प्लीज, मुझे उनके पैर छूने, मुझे गुरु जी से मिलने दो संगत जी, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे। सडनली गुरु जी टर्न करते हैं और इनकी तरफ देखते हैं और अपने जो सेवादार है उनको हटाते, कह रहे हटो, और वो खुद चल के मेरे हस्बैंड के पास तक आ जाते हैं।
जैसे ही पास में आते हैं, मेरे हस्बैंड गुरु जी के चरण वंदना करते हैं, उनके चरण छूते हैं, और धीरे से मतलब कह रहे, मैं इतना रोनी जैसा हो गया था उस समय, स्थिति मेरी ऐसी हुई थी कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस मैं इशारे से कह पा रहा था उनको, और अपने यहाँ पे हाथ रखे, गुरु जी मतलब मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ मतलब मुझे ठीक कर दो गुरु जी, मेरे को ठीक कर दो, बस मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। तो उन्होंने कहते हैं उठ जा, ऐसे दोनों ऐसे कह रहे, मेरे को कंधे से पकड़ के उठाया, उठा के, और उन्होंने दोनों हाथ गुरु जी ने कहते हैं मेरे यहाँ पे रख दिए, मेरे हार्ट के ऊपर रखे, और कहते हैं आँख बंद कर ले, और मैंने आँख बंद कर ली, और गुरु जी ने भी पूरे दोनों हाथ कह रहे हैं जोर से मेरे सीने पे रखने के, और ऊपर की तरफ देखते हैं कुछ मिनट के लिए, कहते हैं ऐसे मतलब खड़े रहो और ऊपर देखते रहे आसमान की तरफ, और कहते हैं फिर जोर से मेरे हाथ या ऐसे करके यहाँ पे मारा हार्ट पे, कह रहे हूँ ठीक है चंगा जा, बोले जा ठीक है अब हार्ट तेरा, और बोल के चले गए, और बस कुछ नहीं बोला, और कहते हैं मुझे ऐसे जोर से ऐसे लगाया, और कहते हैं अब ठीक है तू जा, बस कह रहे उन्होंने मेरे को ये बोला कि सीमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीमा मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, गुरु जी ने बोला अब तेरा हार्ट ठीक है, देखना तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जय गुरु जी, बहुत खुशी हुई, अब ये रो ही जा रहे थे मतलब खुशी के मारे कि गुरु जी आए हैं, गुरु जी ने मेरे को बोला है आप तो ठीक है, वो खुद आए हैं चल के मेरे पास आए, आज भी वो कहते हैं मेरे पास खुद चल के आए वो सीमा, उन्होंने मेरे को ठीक किया, मैं और उससे ज्यादा मुझे ये खुशी हो रही। मैंने कहा लो कल तक जो बंदा मानता नहीं था आज वो उनको मानने लगा, और उनको गुरुजी ने दर्शन किए, मैं कह रही हूँ मैंने कहा वाह मुझे तो दिए नहीं, मैं इतने दिन से सत्संग मैं सुन रही हूँ और दर्शन इनको हो गए, फिर भी मैंने कहा इनका ही कल्याण करना था, पहले तो इनको ही ठीक करना है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं ना कहाँ पे किसकी ब्लेसिंग की पहले जरूरत है घर में, वो वैसे ही करते हैं, हमारे दिमाग से थोड़े चलते हैं। मैं तो ये सोची थी कि पहले मेरे को, मैं बहुत भक्ति कर रही हूँ मेरे को दर्शन मिलेगा, मुझे तो अभी तक भी नहीं हुए, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली मुझे अभी तक भी ड्रीम दर्शन नहीं हुए, लेकिन वो तो लाइफ इतने एक्सपीरियंसेस कराते हैं, फीलिंग कराते हैं कि जरूरत नहीं पड़ती कि ड्रीम दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी, क्योंकि वो तो लाइव रहते हैं, आप तो सांस सांस में रहते हैं, एहसास रहता है उनको। तो उसके बाद इनको दर्शन हो गए और ये बहुत खुश कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अब जो है मेरे को देखना कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। अब मेरे को कैसे, मुझे कैसे एहसास कराएं वो इस चीज का, तो ये बोलते मेरे को, बोलते हैं कुछ खाना खाने का मन कर रहा है, ये बना ले वो बना ले, तो है ना मैंने कहा आप कैसे खाओगे कि आज ना ये बना लेते, कुछ कुछ तो भी राजमा चावल या ऐसा कुछ इन्होंने डिमांड करी। मैंने कहा दिमाग खराब हुआ है आपका, राजमा चावल खाओगे, तो सडनली मेरे को एकदम अंदर से थॉट आता है मैनू भोग लगा तो सब खिलाए नो। मैंने कहा ये कौन बोला, मैंने कहा बोली तो मैं ही अंदर से, लेकिन मेरे को ये चीज क्यों आई कि मेरे को भोग लगा और इसको सब खिला, इसको कुछ कोई नुकसान नहीं होगा एंड बॉट, लेकिन टचवुड मैं लेकिन मैंने गुरुजी की बात मानकर मैंने बनाया। इन्होंने कहा नहीं बना, गुरुजी ने कहा सब तू सब खा, ये भी बोल रहे मेरे को गुरुजी ने कहा तू सब खा, तो मेरे को मुझे भी ये साउंड आई कि मेरा भोग लगा मुझे भोग लगा और इसको सब खिला, मैंने बना दिया, मैंने कहा खा लो जो होगी देखी जाएगी। और धीरे धीरे करके ये और धीरे धीरे गुरुजी ने इनको सारा नॉर्मल खाना खिलाना चालू कर दिया। आज के डेट में ये कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और टचवुड ही इज एब्सोल्युटली फाइन, उनका हार्ट वापस से नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है। गुरुजी ने ये मेडिकली चमत्कार करके दिखाया, जो कि डॉक्टर बोलते थे कंचन आंटी जय गुरु जी, अनिता आंटी जय गुरु जी, तो
तो जो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनको होल लाइफ अपनी इसी तरीके से यही खाना खाना है, उबला हुआ खाना खाना है, बस दाल का पानी पीना है, आज वो सब कुछ खा रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और डे बाई डे ही इज इम्प्रूव। सो दिस वॉज द फर्स्ट ही प्रूव दैट आई एम देयर, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेरेकल ही डिड इन आवर लाइफ, इन दिस वे ही एंटर्ड इन माई लाइफ, मेरे हस्बैंड की, हमारी लाइफ में, हमारे घर में गुरु जी ने प्रवेश किया। तब तक मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस हम फेसबुक के थ्रू ही गुरु जी को जानते हैं, उसके थ्रू ही बातें करते हैं, और मुझे सब सब जवाब जो है फेसबुक से मिलता जाता है। और संगत जी इतनी सुंदर जर्नी है ना, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते कई बार तो उसको करने के लिए, और कई बार सोचती हूँ कि गुरु जी मैं इतने सारे शब्द है कि मैं लिखना चाहूँ ना लिखना चाहूँ तो शायद तो कोई किताब ही लिख दूँ, इतने इतना कुछ है कहने के लिए आपके लिए, और क्या कहें और क्या ना कहें, मतलब। सो इस तरह से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। सो ये एक लाइफ आप हर एक के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गुरुजी आपके सुनते हैं, आप उनको पुकारोगे ना तो ही इज देयर ओनली। अभी तक हम लोग सुनते, सो वी नो दैट गॉड इज द जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गुरुजी ऑन ड्यूटी, ही इज ऑलवेज ऑन आवर ड्यूटी, वो हमेशा हमारे लिए खड़े हैं, बस हमको उनसे पुकारने की जरूरत है। जिस क्षण हम उनको पुकारते हैं वो हमारी पुकार सुनते हैं संगत जी, और वो एंड ही इज ऑलवेज देयर। दिस माय एक्सपीरियंस विद गुरु जी, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज द सेम एक्सपीरियंस, सिर्फ हमको उनसे जुड़ना होता है। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने अनुभव है, और बहुत सी चीजें होती है कि जो टाइम टू टाइम कोई कनेक्टिविटी इश्यू इज देयर। रामा आंटी, जय गुरु जी, सुषमा आंटी जी। सो संगत जी मैं बस आज इतना ही बोलूंगी कि आप सब अपनी यात्रा जो है, सबकी अपनी अपनी यात्रा तो है, अपने अपने अनुभव है, और वो उस अपनेपन को ही बनाकर गुरु जी के साथ, कहते ना डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू ओन कनेक्शन, मीन्स यू हैव योर ओन प्रोसेस, क्योंकि मैंने बोला कि हाँ मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, वो मेरी जर्नी है, वो मुझे करवाया गुरु जी ने, आपको हो सकता है किसी और माध्यम से, किसी और तरीके से गुरु जी जोड़े। सो एवरीबडी कंटिन्यू योर ओन जर्नी और उसको इंजॉय करो, क्योंकि दूसरे का जरूरी नहीं कि दूसरे का जो प्रोसेस रहा है वो आपका भी रहे। प्रोसेस में अपने आप को मत बांधो, मैं कहूंगी कि प्रोसेस में ना बांधने की, ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा ही होता है, कि हाँ वो तो ओल्ड संगत थी, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ही करो या ऐसे नहीं करो, तो नहीं, क्योंकि आपको जो गुरु जी ने करवाना होगा ना वो आपसे उसी माध्यम से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, मुझसे जैसे करवाना था, क्योंकि अब मेडिकली कोई बोलता मुझे तो मुझे बहुत बड़ा स्टूपिड बोलेगा कि अरे लो आपने सुना कि सब कुछ हिला और तूने खिला भी दिया उठा के, क्योंकि उनके आगे लॉजिक ना अपना उनका आपके लिए एक अलग लॉजिक काम करेगा, मेरे लिए एक अलग लॉजिक काम करेगा, तो उन्होंने मेरे ब्रेन को भी उसी तरीके से सेट किया कि हाँ ये ऐसे करके ऐसे मानने वाली है, इसको ऐसे ऐसे करवाना है, आपके लिए कोई और प्रोसेस किया होगा। तो आप अपना प्रोसेस, अपनी जर्नी अपने गुरु जी के साथ, हाँ आप करते रहो गुरु। सो यू कंटिन्यू योर जर्नी विद गुरु जी, विद किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, गुरु जी किसी को भी नहीं बांधते, और उनके तो कोई तौर तरीके कोई है ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन इतने हार्ड है ही नहीं कि दैट वी कैन नॉट फॉलो, बस हमें तो सिर्फ अपना अपने मन से उनके साथ जुड़ना है, हम उनके साथ मन से जुड़ गए फिर वो कभी हमें नहीं।
बिकॉज गुरु जी नेवर सेड कि यू फॉलो दिस, ही सेड सरेंडर मी। गुरु जी ने जो बोला है सरेंडर करने के लिए, ना कि फॉलो करने के लिए। कोई कमांड को कमांड नहीं दिया उन्होंने कि ये कमांड है और आपको मानना ही है, ये मानोगे तभी मैं मिलूंगा, नहीं था, नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोली कि सरेंडर कर, मेरी शरण में आ जाओ और अपना सब कुछ मुझे मुझमें सौंप दे। और सौंपना भी वही सिखा रहे हैं। हम तो हमें नहीं आता कि सौंपना कैसे है, सरेंडर मतलब। सरेंडर करना भी वो खुद ही सिखाते हैं हमको कि सरेंडर कैसे करना है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ये नहीं कि एक दिन में हमको सब कुछ समझ में आता है, ग्रेजुअली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप गुरुजी अपने आप हमको आगे बढ़ाते जाते हैं। डाउट्स भी क्रिएट भी खुद ही करवाते हैं। और सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू कंटिन्यू योर एंड लव गुरुजी विद योर हार्ट, पुट योर ओन ऑन जर्नी, कंटिन्यू योर ओन जर्नी विद गुरुजी एंड फील एक्सपीरियंस ऑल हिज लव, ऑल हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये कनेक्टिविटी इश्यू बहुत ज्यादा हो रही है, सॉरी संगत जी। सो विद दिस, इफ एनीबडी वॉन्ट टू ज्वाइन, एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लीज यू कैन ज्वाइन हियर, एंड अदरवाइज आई वुड लाइक टू टेक वाइंड अप दिस सत्संग। और आगे की जर्नी में फिर और भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं अपने अगले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि मैंने सारी संगत का बहुत समय लिया है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे थे पेशेंस के साथ, उसके लिए और शुक्राना गुरु जी महाराज का, और कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में बिठाया। और आप सब संगत के साथ जुड़ने का, इंट्रैक्शन करने का एक मुझे मौका दिया, और आगे भी मैं ऐसी सेवा करवाते रहे गुरु जी महाराज। मैं ऐसा ही उनसे बस मेरे चरणों में प्रार्थना है कि जो जो अनुभव वो इतने मीठे मीठे जो अनुभव करवा रहे हैं ना, वो हमें करने चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर होते ही हैं। हमारा मेरा आपका सबका कल्याण करा रहे हैं, तो संगत सत्संग करा के वो मेरा कर्म कटवा रहे हैं, मेरे कल्याण करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी तो आए कल्याण करने के लिए, हमारे कर्म कटवाने के लिए। किस माध्यम से वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, कभी सत्संग करा के, कभी सत्संग में भेज कर। सो आई विल कंटिन्यू माई जर्नी, माई मोर एक्सपीरियंस इन माई नेक्स्ट सत्संग, एंड शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, और शुक्राना सारी संगत का, प्यारी प्यारी संगत जो आप मेरे साथ जुड़े रहे। कोई मेरे से भूल हो गई हो मेरी बात से, किसी का भी हृदय थोड़ा भी दुखा हो या ऐसा मेरे शब्दों से होती हो, आप मुझे क्षमा करिएगा। और सारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुरुजी सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। ऐसे ही आप लोग हंसते रहो, खेलते रहो, और हम नाचते रहे, कूदते रहे गुरुजी के साथ। विद दिस नोट